अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब तो दोस्तों, कल के दिन मैंने आपसे एक वीडियो शेयर की थी जिसका मकसद अपना लॉस रिकवर करना था जो रिसेंटली मार्केट के क्रैश करने के बाद हुआ। तो उस वीडियो में हमने जितने भी कॉइन्स शेयर किए थे वो सभी हैवी अमाउंट के थे, यानी कि 70, 80 और 100 डॉलर के। उस वीडियो के एयर होने के बाद हमारी एक कम्युनिटी ने हमें अच्छे खासे जो है मैसेज किए और उसके बाद हमने आज की वीडियो बनाने का जो है फैसला किया कि इस वीडियो में मैं आपसे वो कॉइन्स शेयर करूंगा जिनकी प्राइस आपकी रेंज के होंगे। यानी कि कल के कॉइन्स जो थे वो तकरीबन उन दोस्तों की रेंज में नहीं आ पा रहे थे जो आज के मैं शेयर करूंगा। आज की इस वीडियो में सभी कॉइन की प्राइस दोस्तों आपको $1 या $1 से कम प्राइस में देखने को मिलेगी और इन सभी की प्राइस आज से करीब 15 दिन पहले एक ज़बरदस्त लैंडमार्क पे आपको जाते हुए दिखाई दे रहे थे, लिहाजा ये कॉइन इस वक्त क्रैश कर चुके हैं। आपने दोस्तों इन तमाम कॉइन्स में एंट्री कैसे लेनी है, प्लीज़ इसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपकी वाकई ही लॉस की रिकवरी में बहुत ही ज़्यादा साजगार हो सकती है। किन दोस्तों के लिए? जिनका इस वक्त दायरा कार बहुत छोटा है, यानी कि उनकी जो रेंज है वो बहुत कम है, उनके पोर्टफोलियो में इस नुकसान के बाद सिर्फ 80, 70, 90 या मैक्सिमम 100 डॉलर रह चुके हैं। दोस्तों, आप इसे रिकवर कर सकते हैं, उतावला मत होइएगा और वीडियो को हाल ही देख लेने के बाद ये मत समझिएगा कि आपने अपना जो लैंडमार्क था वो अचीव कर लिया। वीडियो का एक एक पार्ट आप सब दोस्तों के लिए है और इसे मैं बहुत ही प्रैक्टिकली और बड़ी लेंथी बना करके पेश करने वाला हूँ। अगर आपके अंदर पेशेंस मौजूद है तो ही आप अपना लॉस रिकवर कर पाएंगे और ये खासी मैंने अपनी कम्युनिटी के लॉस की खातिर इस वीडियो को बनाने का इरादा किया, क्योंकि इनमें सभी कॉइन्स आपको आपकी रेंज के मुताबिक मिलेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं जल्दी से अपनी वीडियो की तरफ, यानी कि अपने कंटेंट की तरफ। आपने क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वक्तों में आपसे कोई भी हमारी ऐसी वीडियो मिस ना हो तो चैनल के बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल को भी क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, आगाज लेते हैं फ्लक्स कॉइन से। इसमें कितनी पोटेंशियल है, कौन ऐसा दोस्त होगा जो नहीं जानता, लिहाजा हमने इसमें एंट्री लेनी है। और एंट्री लेने से पहले मैं आपको कुछ अहम चीज़ें बताना चाहता हूं जो बार बार दोहरानी नहीं पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सभी कॉइन आपको बाइनांस पे इजीली बाय करने को मिल जाएंगे। सेकेंडली, सभी कॉइन पोटेंशियल हैं। थर्ड, सभी इस वक्त क्रैश हुए हैं, तो लिहाजा ये मौका है दोस्तों इनमें एंट्री लेने का, लेकिन आपने इनको इनकी मौजूदा प्राइस में बाय नहीं करना। 3 स्टेप में बाइंग कीजिएगा। 3 स्टेप को अगर आप नहीं जानते तो उसकी वीडियो का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहली एंट्री दोस्तों आपने फ्लक्स कॉइन में जो कि लेनी है वो होगी 65 सेंट की, लिख लीजिएगा ऑन द रिकॉर्ड। दूसरी एंट्री होनी चाहिए दोस्तों आपकी 55 सेंट की, यानी कि 10-10 सेंट के फर्क से आपने ये कॉइन बाय करना है, यानी कि 65, 55 और 45। ये 3 एंट्रीज आपने इसमें बाय करनी है। और अगर आपका सर्कल है मान लें $50 का, तो आप $50 को कुछ इस तरह यूज़ कीजिएगा कि ये आपके कॉइन 15, 15 और 20 के हिसाब से बाय करें। और हमेशा याद रखिएगा कि जो आपकी आखिरी एंट्री है वो बड़ी होनी चाहिए, मतलब 1st 15 की 2nd 15 की और 3rd 20 की, यानी कि आपके $50 पूरे। और इंशाल्लाह आप इससे एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और आप जब इन सभी कॉइन से अर्न करेंगे आपने कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर लिखना है। तो दोस्तों, आप बढ़ते हैं जल्दी से 2nd कॉइन की तरफ। सभी में एक ही हमारी पॉलिसी होगी। 2nd कॉइन दोस्तों मैंने आपके सामने ओपन किया है, नाम है इसका नेक्सो और एक है नेक्सो NFT। आपने नेक्सो NFT नहीं, नेक्सो बाय करना है। रैंक है इसका 65 और अभी ये अपना $5 का हाई लगाकर लो पर आ चुका है, लेकिन हमने इसे 136 पर भी बाय नहीं करना। मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो इसमें पहली एंट्री होगी, काइंडली इसे ऑन द रिकॉर्ड लिख लीजिएगा, नेक्सो में आपकी पहली एंट्री होनी चाहिए 1.25, ठीक है। इसमें आपकी दूसरी एंट्री होनी चाहिए 1.10, यानी कि 1.10 सेंट, और आखिरी एंट्री होनी चाहिए आपकी दोस्तों इसके अंदर $1 की। इस तीनों स्टेप को आप कंप्लीट करके अपने $50 को कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद आप इसमें से भी एक बहुत ज़बरदस्त अर्निंग आने वाले दिनों में करके अपना लॉस पूरा कर सकते हैं। एक चीज़ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि आप इन 5 कॉइन में इन्वेस्ट करें। अक्सर ये चीज़ देखी गई है कि सर आपने हमें बताया नहीं कि हमें सारों में एंट्री लेनी है कि किस में। तो जो कॉइन आपको सूट करे, जिसको लगे आपको कि आपकी रेंज के अंदर आता है, आप उसे बाय कर लीजिएगा।
और एक और अहम चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो अक्सर वीडियो के एयर होने के बाद हमें क्वेश्चंस मिलते हैं कि सर आपने हमें निकलने का रास्ता नहीं बताया, तो दोस्तों सभी कॉइन्स में से निकलने का रास्ता भी मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ आपका पोर्टफोलियो $50 से 150 या $50 से $100 में कन्वर्ट हो जाता है तो आप इजीली इसमें से एग्जिट ले सकते हैं। यहाँ पर आपकी अपनी ग्रीड भी वैलिड वैल्यू पॉइंट है, यानी कि बिलफर्ज अगर आप सोचें कि जी हम हमारे लिए $25 बहुत है, हमने $50 लगाए थे, हमने 25 अर्न कर लिए, अब हमने निकलना है, तो आप तब भी इसमें से एग्जिट ले सकते हैं। लिहाजा एक नेक्सो कॉइन या एक फ्लक्स कॉइन आपकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको $5 तक का प्रॉफिट दे सकता है। तो 5 को आप मल्टीप्लाई कर लें अपने $50 के साथ तो ये बात चली जाती है $250 तक। लिहाजा आप अगर नहीं सबर करना चाहते, आप जहां मर्जी एग्जिट ले लें, 75 पे, 100 पे, जिधर भी आपका दिल चाहे, और ये गारंटीड क्वेश्चन ये कॉइन्स हैं जो आपको प्रॉफिट देंगे। आप बढ़ते हैं थर्ड कॉइन की तरफ। तो दोस्तों थर्ड कॉइन आपका जो होगा आपके पोर्टफोलियो के, उसका नाम है LDO, जो रिसेंटली बाइनांस पे लॉन्च हुआ था। और अनफॉर्चुनेटली जिन दिनों में ये लॉन्च हुआ मार्केट बैडली क्रैश हो रही थी और ये अपना 3.5 मतलब $3.50 का $4 का हाई लगाकर बैडली क्रैश कर गया। तो दोस्तों इस कॉइन को भी आपने इग्नोर नहीं करना, क्योंकि जो लिस्ट हुए हैं कॉइन अभी रिसेंटली वो अपना आप अभी दिखाएंगे। जाहिर बात है अभी मार्केट क्रैश कर रही है या कर चुकी है, तो ये चीज़ें हमारे सर पर मंडलाती रहेंगी। और यहाँ पर आपका सबर और पेशेंस जो होगा दोस्तों वो बहुत वैलिड पॉइंट होगा। LDO में दोस्तों आपकी पहली एंट्री होनी चाहिए 1.25 सेंट पे, सेकंड एंट्री 1.15 सेंट पे और थर्ड एंट्री $1 पे। इसमें भी आप दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और फिर दोहरा दूं कि आपकी लास्ट एंट्री $20 की होनी चाहिए। फर्स्ट चाहे $10 की रख लें, लेकिन आखिरी आपकी 20 की होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं फोर्थ कॉइन की तरफ। तो दोस्तों फोर्थ एंट्री आपने GLMR कॉइन में लेनी है, जिसका अभी पिछले दिनों में ऑल टाइम हाई जो था वो $6 था और अभी हमें ये 1.26 पे देखने को मिल रहा है। और आपकी इसमें फर्स्ट एंट्री दोस्तों होनी चाहिए 1.20 सेंट की, सेकेंड एंट्री होनी चाहिए आपकी $1 की और थर्ड एंट्री होनी चाहिए 90 या 93 सेंट की। तो दोस्तों ये कॉइन अपने आप में ज़बरदस्त पोटेंशियल रखता है। वक्त की और मार्केट की मार पड़ने के बाद ये कॉइन इतना डाउनफॉल का शिकार हो चुका है और ये बहुत जल्द रिकवर करने वाला और ऑल टाइम फ्लैक्चुएट करने वाला कॉइन है। और अब बढ़ते हैं लास्ट कॉइन की तरफ। तो दोस्तों लास्ट में जिस कॉइन में आपने एंट्री लेनी है, इसका नाम है ZIL और रैंक वाइज ये 73 नंबर पे है। रिसेंटली मार्केट में इसका जो हाई रहा वो था 13 सेंट, 13 सेंट से ये क्रैश होके 0.405 पे आजकल ट्रेड हो रहा है और कभी ना कभी किसी भी रात के पहर ये 0.8 पे भी हाई लगा करके वापस आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी सेफ्टी के लिए इसमें जो फर्स्ट एंट्री लेनी है वो है 0.490 की, सेकंड एंट्री दोस्तों इसमें होगी 0.465 की और थर्ड एंट्री होगी इसमें 0.435 की, यानी कि 65 और 35। अब दोस्तों आपके जहन में एक बात तय होनी चाहिए कि ये लॉस रिकवर करने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। पहली बात आपका इस बात पे यकीन हो कि ये सभी कॉइन पोटेंशियल कॉइन हैं, अभी वक्त की मार जो मार्केट को लगी है उसे रिकवर करने में टाइम लगेगा और सबसे पहले ये कॉइन आपको पंप होते दिखाई देंगे। अब इससे पहले कि मैं आज की वीडियो जो है कंप्लीट करूं, मैं आपको कल के कॉइन के बारे में यहां पर लाइव आगाही देना चाहता हूं कि कल मैंने आपसे जो कॉइन शेयर किए, नंबर वन पे था KSM। दोस्तों वो 69 और 70 के दरमियान आपको मैंने रिकमेंड किया था और वो आज $84 का हाई लगा चुका है, भले वो इस वक्त रिवर्स कर रहा है, थोड़ा सा 78 पे आ चुका है। तो लिहाजा उसने आपको $84 की जो $14 की $15 की उसने ट्रेड दी। सेकेंडली मैंने आपसे जी कैश शेयर किया, AP शेयर किया, रूनी शेयर किया, जब आप तक वीडियो पहुंची तो वो सभी बूस्ट कर चुके थे और अनफॉर्चुनेटली उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिस हो गया और नोटिफिकेशन मिस होने की वजह से कई यानी कि हज़ारों दोस्तों के पास वो वीडियो नहीं पहुंच सकी। उसका लिंक भी दोस्तों आपकी इस वीडियो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आई होप कि इंशाल्लाह आप अपना लॉस रिकवर कर सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।